बसमिल ई नाम के लोग कैसे होते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जिन अफ़राद का नाम ई से शुरू होता है वो कैसी शख्सियत और मिजाज के मालिक होते हैं इस बारे में बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चले कि इस चैनल पर हम वफ़ दुआ और तावीज़ात की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं अगर आप किसी भी मसले का रूहानी हल मालूम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राबता कायम करें नाजरीन हमारा असल मौजू है कि ई नाम के लोग किन ख़ूबियों ख़ामियों आदात और मिजाज के मालिक होते हैं ई लेटर से शुरू होने वाले नाम के लोग दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं अगर इनका रवैया किसी के साथ अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है लेकिन अगर किसी के साथ बुरा रवैया रखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा यानी इन से ज़्यादातर अफ़राद में शदत पसंदी नुमायाँ नज़र आती है ई नाम के लोगों में काफ़ी हद तक अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं इसलिए इनमें से ज़्यादातर लोग हमेशा मुसबत सोच रखते हैं किसी के बारे में बुरा नहीं समझते इनमें से अक्सर तो इंतहाई नरम मिजाज के मालिक होते हैं किसी से भी तलख लहजे में बात नहीं करते ना ही किसी का दिल दुखाते हैं ई नाम वाले बाज़ लोग सूरत से मासूम होते हैं अपनी इसी खसूसियत की वजह से ये लोगों को अपनी तरफ मतवजो करने में कामयाब हो जाते हैं ई नाम वाले कुछ लोग सेंसिटिव तबीयत के मालिक होते हैं और अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं किसी को तकलीफ़ में देख कर परेशान हो जाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं ई नाम के लोग प्यार मोहब्बत के मामले में दूसरे लोगों से कदरे मुख्तलिफ होते हैं इनका मोहब्बत करने का अंदाज़ बहुत अलग होता है जल्दी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होते लेकिन अगर एक बार किसी को अपना बना ले तो हर सूरत में उसका साथ निभाते हैं ई नाम के लोगों में ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो खुद को दूसरों से अफजल तस्वूर करते हैं ख़ुद को अफजल और दूसरों को कमतर समझना अक्सर इन्हें दूसरों की नज़रों में नेगेटिव कर देता है इसलिए बाज़ लोग इन्हें मकरूर समझते हैं ऐसे लोगों को तरक्की हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और अगर इन्हें कामयाबी मिल भी जाए तो इनमें से कुछ अफराद के पास कामयाबी ज़्यादा देर तक नहीं रहती इ नाम वाले बाज़ लोग शोहरत हासिल करने के लिए नित नए तजर्बात करते रहते हैं और बिलाखिर कुछ नया करने में कामयाब हो जाते हैं अगर कोई इनमें खामियां निकाले तो उसको हरगिज़ पसंद नहीं करते अगर इन्हें कोई टारगेट दिया जाए तो उसे पूरा करने में जी जान लगा देते हैं इसीलिए ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ करने का सोचते रहते हैं ई नाम से शुरू होने वाले लोग लविंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं ई नाम से शुरू होने वाली बहुत सी लड़कियाँ पैदाइशी तौर पर खूबसूरत होती हैं इसलिए इन्हें खूबसूरत नजर आने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इनमें एक ख़ास किस्म की कशिश होती है जो हर खास वाम को इनकी तरफ मतवजो किए रखती है ई नाम की ज़्यादातर लड़कियाँ पसंद की शादी को तरजीह देती हैं और जिस इंसान को दिल में बसाने का सोच लें उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं ई नाम की लड़कियां शादी के बाद हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि इनकी अज्दवाजी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरे और जीवन साथी के साथ उम्र भर साथ निभाने की सलाहियत रखती हैं ई नाम के अक्सर लोग जहां भी जाते हैं अपने रवैये से दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं ऐसे लोग अपने दिल की बात दूसरों को नहीं बताते इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ई नाम के लोग अपने ख़ानदान से जुड़े रहते हैं इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनकी वजह से किसी की दिला आजारी ना हो अगर कोई इनसे बदसलूकी करे तो इनमें से ज्यादातर अफराद तो बगैर कुछ कहे खामोश हो जाते हैं ये किसी से ज्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते इनमें से ज्यादातर लोग हद अजीज़ होते हैं और लोगों के दिल में अपनी एक मखसूस जगह बना लेते हैं ई नाम के लोगों की अपनी एक अलग पहचान होती है इनमें से बाज़ अफराद का सिर्फ यही नज़रिया होता है कि तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है इसीलिए ये लोग तरक्की की राह में आने वाली रुकावटों को अहमियत नहीं देते ऐसे लोगों की हर सुबह एक नए जज्बे से होती है और हर काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं ई नाम के लोग खुशामद और तारीफ को बहुत पसंद करते हैं ई नाम वाले अक्सर लोग दूसरों की तरक्की की राह में रुकावट का बायस बनते हैं ये लोग दूसरों के फायदे नुकसान की परवाह किए बग़ैर सिर्फ अपने फ़ायदे के मतलब सोचते हैं ई नाम वाले ज़्यादातर लोगों की एक खामी ये है कि ये लोग बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं इनका मकसद सिर्फ अपने लिए दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना होता है नाजरीन यहाँ हमने ई से शुरू होने वाले नाम के लोगों की शख्सियत के बारे में मुख्तर सा मुशाहिदा बयान किया है हमारा मुशाहिदा ज़रूरी नहीं कि सौ फीसद ठीक हो गलत भी हो सकता है इसलिए हमारा मुशाहिदा आपकी शख्सियत के मुतल कितने फ़ीसद दुरुस्त है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं शुक्रिया अल्लाह हाफिज